यूपी के बुलंदशहर में पुलिस ने अंतरप्रांतीय वाहन चोर गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर चोरी के 7 वाहन भी बरामद किए हैं। वाहन चोर गैंग के सदस्य दिल्ली के करोलबाग, नोएडा, गाजियाबाद व मेरठ सहित एनसीआर से वाहन चोरी कर बुलंदशहर लाते थे और उन्हें कम दामों पर बेचने का धंधा करते थे। बुलंदशहर के गुलावटी कोतवाली पुलिस की गिरफ्त में आए ये है गाजियाबाद के लोनी का रहने वाला फैजान और गुलावटी के रहने वाले पिंटू व अमित, जो दिल्ली सहित एनसीआर क्षेत्र में दो पहिया वाहन चोरी करने का गैंग चलाते हैं। ये बीती रात थाना गुलावटी क्षेत्र में ये 3 अपराधी पकड़े गए हैं जो अंतरप्रांतीय वाहन चोर गिरोह के सक्रिय सदस्य हैं। इसका जो गैंग लीडर है फैजान, वो गिरफ्तार किया गया है, लोनी गाजियाबाद का रहने वाला है। 2 साथी अमित और पिंटू जनपद बुलंदशहर के गुलावटी थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। इनके कब्जे से 5 स्कूटी और 2 मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं। अवैध असलाह, तमंचा, कारतूस आदि भी इनके पास से बरामद किए गए हैं। वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। आपराधिक इतिहास के विषय में जानकारी की जा रही है। जो गैंग लीडर फैजान है उसके विरुद्ध 1 दर्जन के आसपास मुकदमे वाहन चोरी से संबंधित अलग अलग जनपदों में दर्ज हैं। SSP की माने तो गुलावटी पुलिस को वाहन चोर गैंग के सदस्यों की जानकारी मिली थी कि 5 स्कूटी व 2 बाइक बेचने के लिए कुछ वाहन चोर ले जा रहे हैं। बस फिर क्या था, गुलावटी पुलिस ने घेराबंदी कर तीनों को गिरफ्तार कर लिया और दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा व आदि से चोरी किए गए 7 दोपहिया वाहन भी बरामद किए हैं। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी के साथ हामिद सैफी, Time24 न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।